Students, we are starting our lesson number six, that is animating text and object. If you have your book with you, please open page number 51. Please open page number 51. Okay, suppose I am writing here welcome you all. And here I am writing the name of the school, the century school, right? And you all know that uh, we can change the phone name, its size, its color, everything, right? Now, so look now. I am showing you how we can display our data in the form of animation in PowerPoint, right? So, very first step is very step is that. Very first step is that we have to know the tab from where we can give this animations, right? You have to click on animations, right? After that, custom animation. Custom animation, when you click on custom animation, you will get custom animation dialog box, right? And if you are using Office 10 or uh, Office more than 10, <coughs> version more than 10 of Office, then you will get all the options in the ribbon, only in the ribbon, but in 10 or uh, 7, you can say.

तो ये हमारे जो हैं ये स्लाइड ट्रांजिशन हैं मींस कि जब भी आप वेन यू स्टार्ट योर शो प्रेजेंटेशन शो देन हाउ हाउ इन इन वे वे राइट यू यू वांट योर स्लाइड टू कम ऑन द स्क्रीन तो वी हैव सम ऑप्शंस हेयर एंड व्हेन यू गो ऑन दीज ऑप्शंस देन यू कैन सी द प्रीव्यू ऑन योर स्लाइड इंस्टेंटली साथ साथ आपको ये देखो मैं जिस भी स्लाइड पर जा रहा हूं I am not clicking on it. I'm just moving my mouse arrow on these options. Right? Look. And if you want more, then you can press this button. Or if you want to all the options together, then you can click on more button like this. Now you can see the all options, but it is not visible behind. इट इज नॉट विजिबल फॉर द टेक्स्ट ऑन एट एट द स्लाइड विच इज जस्ट बिहाइंड ऑफ द ऑप्शन बार राइट तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं हम इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते रहते हैं ताकि इसकी ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो हम यहां पर भी कर सकते हैं ये देखिए सारी ऑप्शन है मैं लगातार इस पर क्लिक कर रहा हूं और आप इसको देख सकते हैं ठीक है ये देखो बहुत ईजी है मान लीजिए मैंने ये वाली ऑप्शन ले ली मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये थी हमारी स्लाइड विच वी कैन अप्लाई ऑन द स्लाइड ये स्लाइड है कि स्लाइड कैसे आए स्क्रीन में अब स्लाइड तो आ गई इसको मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको ये देखो ऐसे स्लाइड आएगी लेकिन जो टेक्स्ट है वो हमें एकदम ही मिल रहा है सामने हम चाहते हैं ये टेक्स्ट भी बाद में आए राइट तो ये बाद में कैसे आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू द टेक्स्ट एंड

यू विल हैव थ्री ऑप्शन थ्री और फोर ऑप्शन है फर्स्ट इज एंट्रेंस एंट्रेंस का मतलब होता है कि कैसे आप इस शीट के अंदर कैसे आप इसको आ, इसको लेके आ सकते हो स्क्रीन के अंदर मान लीजिए मैंने किया. Blind box, check box, more effects. ये किया ब्लाइंड बॉक्स चेक बॉक्स मोर इफेक्ट ये मोर इफेक्ट करके यहां पर आप इसको चेक कर सकते हो ये देखो ऐसे आएगा ये देखिए जो भी आप चाहते हो वो चीज हो जाएगी इस तरह से फ्लाई इन इस तरह भी आ सकता है ठीक है आ गया और भी है नीचे बहुत सारे इसमें कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जैसे ही आ जाएगा बूमरैंग बाउंस इस तरह से भी आ सकता है मान लीजिए मैंने बाउंस ले लिया ओके किया ये तो हुआ एंट्रेंस उसके बाद है इम्फोसिस इंफोसिस का मतलब होता है कि एक बार आने के बाद एक बार जैसे ही आ गया है आने के बाद फिर ये कैसे स्क्रीन पर रहे मैं कहता हूं चेंज साइज कर दे का बड़ा हो जाए ठीक है है अच्छा लग रहा ना यस तो उसके बाद अगर आपने कराना है तो एग्जिट कैसे होगा फ्लाई आउट ऐसे चला जाए ठीक है तो अब देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको पहले स्लाइड एनिमेशन ये ऊपर से आया बाउंस करता हुआ बड़ा हो गया और उसके बाद चला गया ठीक है

ये आ गया देखो मान लीजिए मैं इसमें से आ, क्या ले लो सुपोज मैंने ये ले लिया ठीक है ये आ गया देखो यहां पे अब इसके ऊपर भी आप एनिमेशन लगा सकते हो बेटा कैसे लगाओगे लेट मी क्लोज इट फर्स्ट ये यहाँ पे आए एनिमेशन एड इफेक्ट एंट्रेंस एंट्रेंस में मैंने दे दिया मान लीजिए डायमंड ये वहीं से आएगा ठीक है या फिर डायमंड नहीं करना चाहते तो एंट्रेंस पे मैं चला जाता हूं इसको फ्लाई uh, इन के अंदर हम लोग लेते हैं इसको फ्लाई इन ठीक तो ये फ्लाई इन हो गया ये नीचे से ऊपर आया और इसको फिर इम्फासिस के अंदर ग्रो ये बड़ा हो जाएगा ठीक है और उसके बाद एग्जिट के अंदर मैं क्या दे देता हूं इसको डायमंड शेप में इसको फ्लाई आउट कर देता हूं ऐसे गायब हो जाएगा ठीक है लेट्स सी फर्स्ट फर्स्ट टेक्स्ट एनिमेशन एंड अनदर वन इज पिक्चर एनिमेशन ठीक है तो इसके अंदर हमने देखा कि एंट्रेंस की ऑप्शन नहीं आई थी फ्लाई इन मैंने किया है लेकिन ये यहीं से प्ले करके देखते हैं इसको ये डायरेक्ट आया हुआ मिल रहा है हमें है ना अब ये फिर आया है इसका मतलब ये ऑप्शन मुझे यहां पे डालनी पड़ेगी अब देखो अब हम प्ले करते हैं तो यू विल फाइंड करेक्ट ऑर्डर आई थिंक सो ये 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 आ गया टेक्स्ट का ये देखो ये आया अब श्रिंक हो गया और फिर वापस गायब हो गया राइट right? तो इस तरह से हमने देखा कि वी कैन अप्लाई दीज एनिमेशन इफेक्ट ऑन टेक्स्ट एंड ऑन एनी ग्राफिक्स एज वेल इसी तरह कोई फोटो अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई ऑल दीज ऑप्शन ऑन द पिक्चर ऑल्सो राइट बेटा तो इस तरह से आप अपनी एनिमेशन को यूज कर सकते हैं इस एनिमेशन के अंदर अगर आप चाहें तो कोई साउंड इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो ठीक है इंसर्टिंग साउंड क्लिप तो ये आप कर सकते हैं ये मुझे लग रहा है कि लास्ट मीटिंग में हमने इसको कवर किया था वट यू थिंक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग मी इन दिस वे यू कैन गिव एनिमेशन इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट और एनी ऑब्जेक्ट विच यू हैव ऑन द स्लाइड राइट अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने आवाज को अपनी ही आवाज को आप कैसे इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो या इसके अंदर कोई एनिमेशन लगा सकते हो ठीक है वो हम कैसे करेंगे देखिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको सबसे पहले हमने इसमें लगाना है कोई विडियो ठीक है वीडियो लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ इंसर्ट फ्रॉम फाइल तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां मुझे देखना होगा कि क्या मेरे पास कोई वीडियो पड़ा है yes, यस वन वीडियो आई है कंप्यूटर में मिलेगा ठीक है ये देखिए यहाँ पे आ गया है मैं कहता हूँ वेन क्लिकड ये कब स्टार्ट हो जब मैं इस पर क्लिक करूं इसके फ्रेम को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है और अब देखिए यहां पे इसको मैं डबल क्लिक करता हूं इसका साइज आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो ये देखो ये देखो ये वीडियो प्ले होती नजर आई सबको यस yes, सर आवाज भी आ रही थी इसकी yes, इसकी आवाज आ रही थी यस सर सर नो आवाज, नहीं, sir, आवाज नहीं आ रही थी ओके okay, ओके okay, आवाज नहीं आ रही थी आपको चलो बहुत हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हो लेकिन इस इसके अंदर आवाज भी आ सकती है और अगर आप चाहो कि कोई ऑडियो आप इंसर्ट कर दो तो साउंड में जाके आप यहाँ पे ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं साउंड फ्रॉम फाइल यहाँ जो भी फाइलें आपको मिले आपके पास जितने भी फाइल्स वगैरह हैं लाइब्रेरी में जैसे लाइब्रेरी में म्यूजिक है म्यूजिक में कुछ सैंपल वीडियोस होते हैं जैसे स्लीप अवे नाम से एक फाइल आ गई मैंने किया वेन क्लिक ये इसका आइकन बन गया है ये देखो यहाँ पे ये मैंने ऊपर लगा दिया थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको तो जैसे ही आप आप, आप इसको प्ले करोगे आप मुझे बताना कि बाद में इसकी क्या आवाज आएगी कि नहीं आ रही है ठीक है अब आवाज आ रही है बेटा नो सर नो सर ओके ओके चलो मेरे पास में हेडफोन लगाया हुआ है मुझे आ रही है तो हो सकता है हेडफोन के थ्रू आए लेकिन आवाज आती है ऐसे अगर आप इसको इंसर्ट करेंगे अपने कंप्यूटर में तो यू लिसन द साउंड एंड वीडियो एज वेल ये देखो मैंने वीडियो भी ऑन कर दिया है ठीक है इसको अगर आपने पोज करना है तो यू कैन पोज एज वेल ठीक है तो इस इस तरह से आप इसको कर सकते हो सर, सर अभी जब आपने वीडियो चलाई थी तो आवाज आई थी ये अब वीडियो आ, आवाज आ रही है सर पहले आई थी अब आ रही बेटा आवाज नो सर अब नहीं आ रही नो <laughs> सर पहले आई थी चलो कोई कोई को बात नहीं ये कोई टेक्निकल इशू हो सकता है बट यू डोंट वरी व्हेन यू विल अप्लाई ऑल दिस कमांड्स ऑन योर कंप्यूटर यू विल यू कैन यू विल लिसन the sound of audio file and video as well, right? so in this way you can you can uh, insert the video and the audio in your PowerPoint. one more option which we have to cover in today's lecture that is uh, uh, insert sound, record sound. आप अपनी आवाज को भी record कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे तो ये एक recorder on हो जाएगा। recorder on होने के बाद तो यहाँ से जैसे ही आपने माइक और हेडफोन वगैरह लगाया हुआ है तो माइक की ज्यादा जरूरत है यहाँ पे तो माइक आप लगाएंगे तो यहाँ से रिकॉर्डिंग बटन दबा देंगे और बोलना शुरू कर देंगे राइट तो जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे रिकॉर्डिंग होती जाएगी फिर इस फाइल को सेव कर देना है और वो फाइल यहाँ पे आपके इसके ऊपर जैसे आपने ये फाइल ली है फाइल में से कंप्यूटर में से वैसे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो ठीक है अभी मैं एक डेमो दिखा देता हूँ क्योंकि आपको आवाज आ नहीं रही है तो लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ कैसे रिकॉर्डिंग होती है मैं इसमें कोई भी वर्ड्स बोल देता हूं स्टार्ट करके यहां से लोकेट द ऑडियो फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन यू विल नोटिस अ स्पीकर आइकन ऑन द स्लाइड टू एडिशनल टैब्स नेम्ड एज फॉर्मेट एंड प्ले बैक अपियर्स अंडर द ऑडियो टूल्स टैब ऑन द रिबन ये मैंने कुछ लाइंस बोली और अब मैं इसको ओके okay कर देता हूं और ये साउंड बन के पे आ गई है ठीक है अब ये मुझे तो सुनाई दे जाएगी क्योंकि मैंने हेडफोन लगाए हैं आप आप लोगों का थोड़ा सा मुझे देख देखना पड़ेगा कैसे होगा ठीक है एक बार इसको मैं प्ले कर देता हूं शायद आपको आवाज आ जाए आवाज आ जा रही है आपको बेटा क्या सर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही है तो तो फिर अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा के देखो थोड़ा क्या आप तो वॉल्यूम कम ना हो रही हो है सर फुल है, है वॉल्यूम चलो मैं 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 बढ़ा के देखता हूँ शायद इस कान से हो रहा हूँ और आई एम प्लेइंग अगेन अब आ रही है नो सर

ओके, नाउ दीज आर द ऑप्शंस व्हिच यू कैन इंसर्ट इन योर पावर पॉइंट स्लाइड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर पावर पॉइंट शो ओके अब हम देख रहे हैं इसके अंदर वीडियो क्लिप आ गया सब कुछ आ गया अब इसमें एक दो कमांड्स हमारी और रह गई हैं जिसमें से एक कमांड मैं भी और करवाने वाला हूं आपको दैट इज एक्शन बटन उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक uh, डुप्लीकेट स्लाइड्स बना देता हूं आपके कुछ एक ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए और हर एक के ऊपर मैं कुछ नंबर uh, लिख देता हूं जैसे दिस इज फॉर वन दिस इज फॉर सेकंड नंबर टू दिस इज फॉर थ्री सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड एंड द नंबर ऑफ द स्लाइड दिस इज फोर Okay, students, sometimes if we want to display our presentation to our audience or to our friends or to our parents, then we have to use these action buttons to beautify the system or the uh, style of our presentation. What is the use of it? I'm telling you. Go on shapes, and at the bottom of the shape dialog box, you will have action buttons, some action buttons, right? एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ठीक है तो जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर या जो सॉन्ग्स वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हैं तो वहां भी कुछ बटन्स होते हैं पॉज के प्ले के बैकवर्ड के फॉरवर्ड के होम के है ना तो उसी तरह से ये बटन्स भी काम करते हैं तो स्लाइड्स हमें डायरेक्टली हम किस स्लाइड पे जाना चाहते हैं वो भी हो सकता है जैसे सबसे पहली स्लाइड पे मैं एक बटन लगा देता हूं यहाँ पे या ऊपर मैं लगा रहा हूं दिस इज फॉरवर्ड बटन जैसे मैंने इसको ड्रैग किया ड्रॉ किया तो आई विल हैव ऑप्शन आई विल हैव एन ऑप्शन व्हिच इज सेइंग अस दैट दिस इज हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड यस और हम हमारा काम भी यही है कि हमें नेक्स्ट स्लाइड ही चाहिए है ना तो उसके अंदर उसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड है तो हम हम इसको कर देंगे ओके राइट ओके जैसे मैंने किया तो ये हमारे साथ ये बटन आ गया और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे जाना है देखो जब मैं फर्स्ट पे हूं तो मैं बैक तो जा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी ऑन फर्स्ट स्लाइड तो उसके बैक में कुछ है ही नहीं तो हां कहां जा सकता हूं मैं एंड पे जा सकता हूं इसके है ना तो एक बटन और हम देखते शेप्स में जाओ और यहां पे एंड बटन है मैं इसको ड्रैग कर देता हूं यहां पे तो देखो आगे गया लिंक में अपने अप आपको कुछ नहीं करना है बस ड्रैग करना है और ओके करते जाना है ठीक है अब आते हैं स्लाइड नंबर टू पे अब स्लाइड नंबर टू पे ये दो बटन तो हमें चाहिए चाहिए तो हम क्या करेंगे इनको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे सिलेक्ट हो गए इनको कॉपी कर लो होम में जाके कॉपी कर लो और स्लाइड टू पे जाके इनको पेस्ट कर दो ये वाले बटन तो हमें चाहिए थर्ड पे भी चाहिए तो एक बार यहां भी पेस्ट कर दो ठीक है अब इसके बाद दोबारा हो सेकंड पे यहां पर मुझे क्या चाहिए अब देखो मुझे बैकवर्ड बटन भी चाहिएगा क्योंकि अब मैं पॉइंट स्लाइड नंबर टू पे हूं तो मैं फर्स्ट पे भी जा सकता हूं है ना जैसे मैं फर्स्ट पे जाऊंगा तो मैं मैंने क्या करना है इस पे गए हम बैकवर्ड बटन यहां पर मैंने बैकवर्ड बटन लगा दिया और ओके कर दिया ठीक है बहुत ही आसान है और यही यही बटन मुझे चाहिएगा? थर्ड में भी चाहिएगा ये मैंने थर्ड में भी लगा दिया अब फोर्थ में मुझे क्या क्या चाहिए बल्कि फोर्थ फोर्थ में आ गए हैं तो मुझे बैक चाहिए एक तो ठीक कॉपी किया मैंने यहां पे पेस्ट कर दो और एक मुझे चाहिएगा फर्स्ट स्लाइड के लिए तो फर्स्ट स्लाइड के लिए मैं क्या करूंगा यहां पर मैंने जाना है और यह वाला बटन है फर्स्ट बिगनिंग जिसका नाम है और यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा यह आ गया फॉर फर्स्ट स्लाइड ओके अब ये सारे बटन हमारे बन चुके हैं अब मैं जैसे ही शो करूंगा तो ये मूव हो जाएगा देखिए ये देखो ये है फर्स्ट नेक्स्ट के लिए ये देखो स्लाइड टू है ना ये अब नेक्स्ट के लिए ये स्लाइड थ्री है फिर नेक्स्ट के लिए ये स्लाइड फोर है बैक के लिए ये थ्री आ गया अगर मैं इसमें बाद में एक और चला जाता हूं और डायरेक्टली मैं एंड कर देता हूं तो फोर पे आ जाएगा देखो ये देखो है ना और मैं डायरेक्टली होम कर दूं तो, तो ये फर्स्ट पे आ गया ठीक है बेटा तो इस तरह से यू कैन इंसर्ट एक्शन बटन एंड कंट्रोल यूर प्रेजेंटेशन इन अ वेरी वेल मैनर ठीक है तो जिस जिस भी एरिया पे आपको चाहिए अब उस एरिया के अंदर जाके इसको यूज कर सकते हैं ठीक है बेटा तो आज के लिए जो uh, हमारा टॉपिक था यहां पर मैं इसको समअप कर रहा हूं इसमें बस एक ही पॉइंट और रह जाएगा वो नेक्स्ट लेसन के साथ हम हम लोग इसको अटैच करेंगे दैट इज इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम वर्ड बिकॉज़ इट विल टेक सम मोर टाइम एप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स इट इट विल कवर एंड वी हैव नाउ ओनली नियर अबाउट 6 6 टू 7 मिनट्स राइट so in in between if you have any kind of query if you want to ask any question then you can ask me you are welcome any question regarding today's session beta please? please let me know any question beta नो सर ओके 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 ओ बेटा सो आई एम एंड एंड यस 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 सर फिर आज मैंने एक बार प्रैक्टिस करके देखता हूँ अगर समझ में नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में पूछ लूंगा अगले लेक्चर में पूछ सकते हो एंड यू यू ऑल नो यू ऑल हैव माय पर्सनल नंबर यू कैन व्हाट्सएप मी राइट और यू कैन कॉल मी एनी टाइम ठीक है बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई आफ्टर दैट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आई एम विद यू ऑलवेज राइट right? तो आ, अब मैं okay. अब यहाँ यह, यहाँ पे मैं इसको मीटिंग स्टॉप कर रहा हूं यस yes, सर